को ये दिशा आपका वेलकम करती है एक ऐसे शो में जहाँ पे आपको एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट का डोज भरपूर मात्रा में मिलेगा। BCN न्यूज़ पे ये शो आता है यूट्यूबर स्पेशल, जहाँ पे एंटरटेनमेंट का डोज हमेशा ही ज़्यादा रहता है। और आज हमारे बाजू में जो गोलू मोलू सा इंसान काफ़ी क्यूट दिख रहा है वो बैठा है, जिसके बारे में हम जानेंगे। ST Vlogs इस नाम से इसका YouTube पे चैनल है, संस्कार इनका नाम है, काफ़ी संस्कारी ये दिखते भी है और काफ़ी क्यूट भी दिखते हैं। तो इनके बारे में जानेंगे, इनके चैनल के बारे में जानेंगे, साथ ही उससे रिलेटेड बहुत सारे किस्से भी हम जानेंगे। तो संस्कार, सबसे पहले तो वेलकम टू द शो। थैंक्स अ लॉट। और संस्कार, हर किसी में मतलब हर शो में यही सवाल पहले रहता है कि यार व्लॉगिंग का आइडिया कैसे आया। व्लॉगिंग का आइडिया मतलब था कि 10th बोर्ड ख़त्म हुआ, उसके बाद मैं काफ़ी सारे व्लॉग्स देखने लगा। उसके बाद मैंने देखा हमारे नागपुर में एनी सर है, सो उनको देख के मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गया कि अगर नागपुर में व्लॉगिंग कोई कर सकता है तो वो कर सकते हैं, तो हम भी स्टार्ट क्यों नहीं कर सकते। सो उनको देख के मैंने स्टार्ट किया। तो मतलब एनी सर आपके आइडल थे, मतलब उन्हीं को आपने अपना गुरु माना और उसके बाद से ही ये जो व्लॉगिंग वगैरह है वो शुरू की। बिल्कुल। तो संस्कार, यूजुअली मैंने आपके व्लॉग्स देखे, उसमें मतलब हर चीज़ का व्लॉग था, नेचर को आपने एक्सप्लोर किया, पेट रिलेटेड सारी चीज़ें रहती हैं, तो इन सब में आपका फेवरेट सेक्शन कौन था, लाइक यार यही व्लॉगिंग करना मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है ऐसा कुछ? हाँ, तो मैं आपको अभी जो बताऊंगा वो प्रायोरिटी वाइज रहेगा, लाइक फर्स्ट मेरा जितना मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ उतना पहला वो, फिर उसके बाद आता है पेट्स, देन लास्ट प्रायोरिटी मेरा फूड पे रहता है क्योंकि मुझे फूड ब्लॉगिंग में इंटरेस्ट है ही नहीं। इंटरेस्ट नहीं है पर फिर भी आपने केक का वीडियो डाला था। बिल्कुल। वो कैसे, मतलब क्या वो लॉकडाउन की वजह से था? हाँ। कि पब्लिक की डिमांड थी? नहीं नहीं, लॉकडाउन की वजह से था और मेरा बहुत मन कर रहा था केक खाने का और मिल नहीं रहा था, तो मतलब ये हो गया। चलो कुछ तो कर लेते हैं। हाँ। और वीडियो भी बन जाएगा, कंटेंट भी आ जाएगा। बिल्कुल। आपने जब से ये जो आपका यूट्यूब का चैनल स्टार्ट किया तब से अब तक आपका कोई फेवरेट वीडियो लाइक जो आपको बहुत ही पसंद आया हो? ओके, सो एक्सप्लोरिंग वाइज अगर देखा जाए, सो मैं जब ताड़ोबा गया था वो मेरा काफी फेवरेट वीडियो है। अब मैं इसका रीजन भी जानना चाहूंगी यार, मतलब क्यों इतना फेवरेट ऐसा भी? अच्छा, क्योंकि उसमें मैंने हर चीज मेरे हिसाब से मैंने पूरा एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया है और उसमें कुछ कमी नहीं है, सो मेरे को वो वीडियो आज भी बहुत अच्छा लगता है। और अगर हम यही चीज ऑडियंस वाइज पूछे तो? ऑडियंस वाइज सो लाइक ऑडियंस को जो मेरा फेवरेट वीडियो लगा वो था टर्टल वीडियो, आज उसमें 1,80,000 प्लस व्यूज है, सो इसके लिए वो ऑडियंस के हिसाब से अच्छा है। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। वेल, बहुत बार ऐसा होता है ना कि जब हम लोग वीडियो निकालते हैं तो फर्स्ट टाइम में वो परफेक्ट नहीं आता, मतलब बहुत सारे ब्लूपर्स रहते हैं जी। तो ऐसे वीडियो शूट करते टाइम भी आपके साथ फनी इंसिडेंट तो बहुत सारे हुए होंगे, तो यार वो तो शेयर करना ही पड़ता है। ओके, सो अभी मैं जब इंटरव्यू दे रहा हूँ उसके पहले मैं व्लॉग कर रहा था, बाहर से आया, सो मुझे 2-3 रीटेक लगे। Okay. तो वो चलता है, हर व्लॉगिंग में चलता है वो कुछ। और अगर व्लॉगिंग से रिलेटेड कोई फनी इंसिडेंट की, भाई बहुत बार मैंने देखा है कि लोग वीडियो बनाते जा रहे हैं और फिर सड़क पे कहीं गिर जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ आपके हाँ, साथ हुआ है? हुआ है। मैं हैप्पी स्ट्रीट गया था, वहाँ पे मैं व्लॉग कर रहा था लाइक नॉर्मली, बट रास्ते में एक गड्ढा आया सो गिर गया। उसके बाद उसका व्लॉग नहीं बनाया, उसके बाद वो व्लॉग बना ही नहीं क्योंकि मेरा कैमरा खराब हो गया था उस टाइम पे। अच्छा, उसके बाद जो आर्थिक तंगी आपको झेलनी पड़ी उसका नहीं, क्या? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं, मतलब घर वाले एकदम चिल थे, जो हो गया अब कुछ कर नहीं सकते हैं, सो ठीक है। ओके, ये घर वालों से ये कि अभी बहुत बार हमारे पेरेंट्स जो है वो अलाउ नहीं करते यूट्यूब चैनल वगैरह खोलने के लिए, तो आपके घर पे लाइक सब जन इजीली कन्विंस हो गए थे या फिर कुछ मशक्कत करनी पड़ी थी? ओके, सो स्टार्टिंग में ऐसा था कि लाइक घर वाले भी सोचते थे यार क्या कर रहा है, बस कैमरे के सामने बड़बड़ा रहा है, बट धीरे धीरे जब नाम आया और साथ में इनकम स्टार्ट हुई तो घर वालों ने भी कुछ नहीं कहा, एंड यूट्यूब तो अभी चल रहा है फिर इसके लिए। ओके, तो बहुत बार ऐसा होता है ना कि बहुत लोग यूट्यूब पैसा कमाने के लिए यूज करते हैं, तो मैं जानना चाहूंगी ये अपना पैशन था या पैसा कमाना था? पैशन फर्स्ट। ओके, मतलब पैशन था आपको और इसलिए आपने वो शुरू किया जी। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, अगर मुझे आज समझो 1-2 व्यूज भी आएंगे ना तो भी मैं वीडियो बनाऊंगा क्योंकि आपको अच्छा लगता है। अच्छा लगता है और मेरे को एटलीस्ट 1-2 लोग तो देखते हैं।
वही बहुत बड़ी बात है। नहीं अभी तो आपको बहुत लोग देख रहे हैं, हम लोग जान रहे हैं, और मतलब ऐसे ही मैं चाहती हूँ कि आपका ये जो YouTube चैनल है ना वो बढ़ता ही रहे, बढ़ता ही रहे। थैंक यू थैंक यू। लॉकडाउन दो आपने मतलब दो बार लॉकडाउन को फेस किया, तो इन दोनों लॉकडाउन में सबसे ज्यादा वीडियोस कौन से वाले लॉकडाउन में बने? इसके पहले वाले। और इसका रीजन ऐसा क्यों? उसका रीजन इन्हें ज्यादा कुछ नहीं है, लाइक मैं खाली बैठा था, जब 12th भी स्टार्ट होने का ही था, मैं बोला क्या ही प्रेशर होगा, सब बना लेते हैं, फ्लो फ्लो में बन जाती है चीजें। और इस बार ऐसा क्यों, मतलब काम इतने? स्ट्रेस बहुत बढ़ गया था कि बोर्ड्स होंगे नहीं होंगे, अब पता नहीं क्या होगा। ओके, आपने लास्ट जो आपका लॉकडाउन था उसमें बियर्ड लुक भी ट्राई किया था, तो ये जब आपने ट्राई किया तो घर से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मतलब इजीली करने दिया सबने? चलेगा वो, तो नहीं बोला कि क्लीन कर दो, तो ज्यादा अच्छा लगता। ओके, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब उसका एक्सपीरियंस एक अलग ही था, लाइक मेरे को क्लीन करना ही था, बट मैंने थोड़ा कंटेंट बनाने के लिए एक एक दो स्टाइल कर लिया, उसको ठीक है। अच्छा, उसके बाद लड़कियां कितनी पड़ी? बिल्कुल उप्स, ऐसा क्यों? मतलब नहीं, कोई लड़की भाव ही नहीं डालती, सब कैसे चलेगा? ओके, मतलब बट पटाना भी नहीं है। बहुत सही, मतलब पटाने नहीं है, खत्म, नहीं चाहिए झंझट, खत्म। ओके, हम यूजुअली मतलब यूट्यूब वगैरह हम स्टार्ट कर रहे हो, मतलब चैनल वगैरह शुरू कर रहे हो, तो बहुत बार हम लोग गोल सेट करते कि भाई इतने तो सब्सक्राइबर्स बनने चाहिए, इतने लोगों ने हमें देखना चाहिए, तो आपका ऐसा कुछ गोल वगैरह? गोल स्टार्टिंग में था कि 100 देन 200। मेरा ऐसा नहीं था कि 100 से सीधा 1000 जाना है, या एक दिन में मेरा मिलियन हो जाए या 100 के हो जाए, ऐसा कभी होता ही नहीं है। सो धीरे धीरे होगा, सो छोटे छोटे गोल्स रखो अपने लाइफ में, लाइक अगर वो अचीव हो जाए तो दूसरा, सो उससे कैसा एक्साइटमेंट बढ़ता है। ओके, ऐसा मैंने आपका ये एक और वीडियो देखा कि आपका उसमें कैमरा लॉस्ट आपने ऐसा डाला जी, तो उसके पीछे का रीजन मैं जानना चाहती हूँ, पूरा एक्सप्लेनेशन जानना चाहती हूँ। ओके, सो लाइक वीडियो में मैंने आखिरी में तो बता ही दिया था कि वो एक प्रैंक है और मैंने अपने फ्रेंड के साथ किया वो, तो वो लाइक इट बन गया वो वीडियो, क्वेश्चन काट दो। हमने आपके वीडियो से ये भी देखा है कि आप पेट लवर हो, मतलब बहुत ज्यादा पसंद है आपको पेट्स वगैरह, तो मतलब अगर आपके मतलब घर पे आपके अलाउ वगैरह करते हैं पेट्स रखने के लिए? करते नहीं है, बट अभी मेरे पास एक पेट है सो। और डॉग्स की बात करें तो डॉग्स? डॉग्स तो नहीं, बिल्कुल नहीं, एंट्री नहीं है उनको, अगर जिस दिन डॉग आया उधर से मम्मी भाग, सो नहीं। ओके, हमने आपके वीडियो में ये भी देखा कि आपने आपके टर्टल को इंट्रोड्यूस किया था, तो मैं उसका भी एक्सपीरियंस जानना चाहूंगी। ओके, सो लाइक मेरा टर्टल अभी 2 इयर्स का है, और वो मेरे लिए बहुत लकी है, जब से मैंने उसको वीडियो में लाया, सो जिस वीडियो में था वो आज सबसे ट्रेंडिंग वीडियो है। नागपुर टू रायपुर की, थोड़े बहुत रायपुर के वीडियोस, देन उसके बाद में वेडिंग अटेंड करने गया था, अभी तक मैं इतना अच्छे से ट्रैवल नहीं कर पाया हूँ, बट एक बार जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाए और मेरा 12th का प्रेशर हट जाए तो पक्का जहाँ ऑडियंस बोलेगी अब मैं वहाँ जाऊँगा, ऐसा हो गया। ओके, दैट्स ग्रेट। लाइक संस्कार, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि फर्स्ट वीडियो से अभी जो आपने लास्ट वीडियो अपलोड किया उस तक का सफ़र कैसा था, मतलब पूरी जर्नी कैसी थी आपकी अब तक की, एक्सपीरियंसेस क्या क्या है, क्या क्या फनी इंसिडेंट्स थे, कुछ एम्बैरेसिंग मोमेंट्स भी रहे होंगे, सब के बारे में जानना चाहूँगी। बिल्कुल, सो लाइक स्टार्टिंग में तो मैं बहुत ज़्यादा अटकता था, लोग बोलते थे भाई क्या कर रहा है ये, ऐसा मत कर, सो देन मैंने धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव किया उस चीज़ से। देन जो आप बोल रहे हो एम्बैरेसिंग मूवमेंट, सो उस टाइम पे क्या हुआ था, मैंने एक वीडियो बनाई थी प्रैंक कैसे करते हैं, उस वीडियो का टाइटल था हाउ टू डू अ प्रैंक, बट लोगों ने टाइटल अच्छे से पढ़ा नहीं, सो उसके चक्कर में मुझे बहुत ज़्यादा हेट मिला कि भाई देखो प्रैंक करने नहीं आता ये वो, जितने भी प्रैंक वीडियोज़ रहते हैं सब स्क्रिप्टेड ही रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, बट फिर उसके साथ में मुझे बहुत सारा क्रिटिसिज्म मिला सो। ओके, बट इन सारी चीजों की वजह से ही लाइक आप ग्रो हुए हैं, आप ऐसा कह सकते हो? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकता हूं मैं, कि क्रिटिसिज्म से कोई ग्रो नहीं हो सकता, बट एक क्रिएटर डीमोटिवेट हो जाता है उस टाइम पे।
हाँ, तो इन सारी चीजों की वजह से कितना आपको हेल्प हुआ ग्रो होने के लिए? अगर क्रिटिसिज्म आता है तो मैं यही सोचता हूँ कि हर बार मुझे इम्प्रूव करना है, इससे अच्छा करना है, सो ऐसे करते करते आज मैं यहाँ पहुंचा हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो YouTube से जुड़ना चाहते हैं, जो YouTube पे अपना चैनल वगैरह बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? जो है पहले आपके पास उससे स्टार्ट करो। जरूरी नहीं है कि आपके पास सिर्फ कैमरा ही हो, आप फोन से भी स्टार्ट कर सकते हो, फोन पे एडिट कर सकते हो। अगर आप ग्रो होते हो आप धीरे धीरे इन्वेस्ट कीजिए, बट स्टार्टिंग से मत कीजिए। सो अगर आपके पास कोई इशू नहीं है तो आप कर सकते हैं, बट स्टार्ट कभी भी फोन से कीजिए। और काउंट मैटर मत कीजिए स्टार्टिंग में, जितने भी लोग रहेंगे वो आपके अपने लोग रहेंगे, फ्रेंड्स फैमिली, बस धीरे धीरे ऑडियंस बनेगी। सो बस करते रहो मेहनत, 110% देना चाहिए, 100 नहीं, क्योंकि 110 दोगे तो 100, 110% आएगा। दैट्स ग्रेट। मतलब हाँ, हमें हमेशा ट्राई करते रहनी चाहिए चीज़ें, और अगर हम ट्राई करेंगे तो वही चीज़ें हमें सक्सेस देंगी, ऑब्वियसली सक्सेस देती है। संस्कार, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपका जो फर्स्ट वीडियो था जी। उसके पीछे वो एक रैंडम वीडियो था कि आपने स्क्रिप्ट करके रखा था कि ये सारी चीज़ें करनी नहीं, है, बिल्कुल भी नहीं। तो स्क्रिप्टिंग, उसकी पूरी स्टोरी जानना चाहूँगी। ओके क्या था फर्स्ट वीडियो का एक्सपीरियंस? जी। सो जो मेरा फर्स्ट वीडियो था, तो मैं नागपुर से रायपुर जा रहा था। बस मैंने ये सोचा था कि स्टार्ट कैसे करना है, एंड कैसे करना है, बस। बाकी व्लॉगिंग एक ऐसी चीज़ है कि स्क्रिप्ट नहीं होती वहाँ पे, बिल्कुल मतलब वो हो गया पूरा। बस एकदम चलते रहे। अच्छा, बहुत बार आपने ऐसा आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आप व्लॉगिंग कर रहे हो, तब लोगों ने आपको बोला होगा क्या कर रहा है तू, तो बिल्कुल बहुत बार। तब आपके आंसर्स, और ऐसा कोई फनी इंसिडेंट उससे रिलेटेड, आपका जो फर्स्ट सब्सक्राइबर था उससे लेके अब तक आपने जितने सब्सक्राइबर्स ग्रो किए हैं, तो उन सारे सब्सक्राइबर्स को, आफ्टर ऑल वो आपकी एक फैमिली है, जी तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे BCN के थ्रू आज? ओके सो पहले तो थैंक यू, अगर आप लोग नहीं होते तो मैं आज यहाँ पे नहीं होता। एंड अगर आपको भी लगता है कि मुझे देख के आप इंस्पायर हुए, सो व्लॉगिंग स्टार्ट करो। और ऐसा मत सोचो कि कोई यूट्यूबर एटीट्यूड वाला है, जो लगता है कभी भी मैसेज करो, आई एम ऑलवेज देयर। ओके, आपने आपके फ्रेंड्स के साथ भी व्लॉगिंग वगैरह ट्राई जी किए, तो जी वो एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि फ्रेंड्स के साथ व्लॉगिंग करना इज वे मोर डिफरेंट जब यस आप अकेले व्लॉग करते रहते हो, तो जी वो एक्सपीरियंस कैसा था? ओके सो मैं जब अपने फ्रेंड्स के साथ व्लॉग करता हूँ, मैं सिर्फ जैसे ही मैंने बोल दिया वेलकम बैक टू द चैनल, बस ये आवाज़ें चालू हो जाएगी। फिर ओके बीच में कभी ऐसे हाथ डाल देंगे, वो बहुत मस्ती चलती है, बट वो देखने में भी लोगों को मजा आता है, सो मैं डाल देता हूँ ये ओके चीजें। आपके इंस्पिरेशन की बात आपने बताई, तो उनके कोई अच्छे वीडियोस जिन जो वीडियोस ने आपको काफी ज्यादा इंस्पायर किया हो? सो जब मैंने स्टार्ट किया था व्लॉगिंग, स्टार्ट करने से पहले, सो सर के मैंने जितने भी व्लॉग्स देखे थे, वो नागपुर के बेस पे थे उस टाइम पे। देन उसके बाद सर का मैंने जब सिनेमैटिक कंटेंट देखा, जब सर पौंडीचेरी गए थे, सो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर किया कि सिनेमैटिक कंटेंट हमको भी लाना है अब ऐसा। आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो आई गेस, जी। तो कॉमर्स का स्टूडेंट व्लॉग बना रहा है, क्या मतलब कैसे कैसे सोचा ये सारी चीज़ें? कैसे? सो अब कैसे का आंसर तो मेरे पास भी नहीं है। जैसे जैसे ऑडियंस ग्रो होते गई, सो मैंने ऑडियंस के लिए किया, अपना भी सोचा, लेकिन साथ में दोनों चीजें चलती रही। और कॉमर्स के साथ साथ ये ब्लॉगिंग मतलब कैसे मैनेज हो जाता है? इजीली हो जाती है? बिल्कुल हो जाता है, मतलब अकाउंट्स वगैरह पढ़ने के साथ हाँ, ब्लॉग व्लॉग आप इजीली कर लेते हैं? बिल्कुल हो जाता है, और मेरे सर भी मेरे वीडियोस देखते ही है। ओके दैट्स ग्रेट, और ये भी देखेंगे सर? बिल्कुल देखेंगे। और मुझे आपसे ये पूछना था कि आपने एनी सर के बारे में बताया कि वो जी आपकी इंस्पिरेशन, तो जी वो सिर्फ नागपुर बेस्ड बनाते हैं, और जो चीज़ें हैं मतलब और जी जो यूट्यूबर्स हैं जी जो आपकी इंस्पिरेशन होंगी, उनके जी बारे में जानना चाहूँगी। मुंबई का निखिल बेस्ट, ही इज द बेस्ट, ही इज द गॉड ऑफ व्लॉगिंग आई थिंक। और मतलब उन्हीं को फॉलो करते हैं आप? जी बस। ओके वेल, संस्कार, नाम आपका काफ़ी संस्कारी है, जी दिखते आप काफी संस्कारी हो, काफी जी क्यूट से गोलू मोलू टाइप,
तो यार एक पर्सनल क्वेश्चन आपसे कि व्लॉगिंग व्लॉगिंग भी आप अच्छी कर लेते हो। ऐसा कभी हुआ है कि यही व्लॉग्स वगैरह के चक्कर में किसी लड़की ने आपको मतलब ऐसे बोला हो, प्रपोज वपोज किया नहीं, हो? मतलब बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ आपके साथ? बिल्कुल नहीं हुआ क्योंकि मैंने ये चीज सुनी थी, जो लोग यूट्यूब पे वगैरह होते हैं जी। उनकी काफी ज्यादा हद तक फैन फॉलोइंग होती है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरी नहीं है अभी। ओके, बिल्कुल नहीं है। नहीं, अभी वो पॉइंट आने का है। अच्छा, वो पॉइंट आने का, मतलब जी आप चाहते हो वो पॉइंट आए? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बट बिल्कुल भी एक नहीं। अगर अच्छा आता है तो वो अच्छा लगता है लगता है। जी। बिल्कुल। ओके, जंस्कार, मैं आपके बारे में ये भी जानना चाहती हूँ, लाइक हर किसी के फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस होते हैं, जी। तो आपके व्लॉगिंग को लेके क्या फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस हैं? लाइक आपने सोचा होगा कि यार नए फ्यूचर में मुझको ये चीज़ ट्राई करनी है, ये नए इक्विपमेंट्स लेने हैं उनके साथ जी। और एडिटिंग में वगैरह, तो वो सारी चीजें जानना चाहती हूँ। ओके, सो इक्विपमेंट से स्टार्ट करते हैं। लाइक मेरे को एक गिम्बल और ड्रोन चाहिए अभी फिलहाल, एंड लाइक मुझे एक्सप्लोर और ट्रैवल करना है मेन, और अपने फ्रेंड्स के साथ मैं हो सके जितना कंटेंट ला पाऊँ इन फ्यूचर में। और एक्सपेक्टेशंस काउंट के बेस पे ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं उसके साथ 100 100 के हिसाब से चलता ही रहता हूँ धीरे धीरे। ओके, तो संस्कार के साथ हमने उसके साथ सारी बातें की, जाना कि उसका एक्सपीरियंस, उसके वीडियोस के टाइप्स कैसे रहते हैं, साथ ही उसने क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस की फर्स्ट सब्सक्राइबर से लेके अब तक। थैंक यू सो मच संस्कार, आपका माय प्लेजर। इतना ज़्यादा कीमती टाइम हमें देने के लिए। VC न्यूज़ देख रहे हैं आप, और ये यूट्यूब स्पेशल का शो हम लोग चला रहे हैं, जहाँ पे ऐसे ही यूट्यूब से रिलेटेड जितने भी ब्लॉगर्स हैं या फिर बड़े बड़े आर्टिस्ट यूट्यूब पे हैं, उनको हम आपके सामने पेश करते हैं। आज ये हमारे शो में हमारे साथ था संस्कार, जिसका ST ब्लॉक नाम का एक चैनल है, जिसके बारे में संस्कार मैं चाहती हूँ कि आप एक बार फिर से सबको बता दे कि आपके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक जी करें। बिल्कुल, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू। तो थैंक यू सो मच, ऐसे ही देखते रहिए BC न्यूज़। नमस्कार। जुदा या खफा है खुद।